नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में रॉयल साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th के बायोलॉजी से 47 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। मतलब ये टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं अच्छे से। अभी आपके पास टाइम है और आपको 70 में से 70 नंबर पक्का लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये प्रोमिस करता हूँ आपसे, मेरा वादा है कि आप अगर इन टॉपिक्स को अपने कवर कर लेते हो तो अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12th में बायोलॉजी में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक अनुरोध है कि यदि हमसे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अपने साथी दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके और वो भी अपने एग्जाम में 70 में से 70 नंबर पक्के ला सकें। और यदि आप मेरे साथ इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो मुझे एक कमेंट करना, मैं इन टॉपिक्स के लिए बारी बारी से आप सभी के लिए एक वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से कवर कर लेना है। फर्स्ट टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कवर करना। और सेकंड टॉपिक है परिपक्व कोष। सेकंड क्वेश्चन है परिपक्व पराग कोष का चित्र, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है परिपक्व पराग कोष का चित्र, क्लियर। सेकंड के बाद आपका थर्ड आ जाता है, ये थर्ड है आवर्त बीजी बीजांड का चित्र। तो ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट तीसरा आपको पॉलिनेशन पढ़ना है अच्छे से। चौथा टॉपिक्स है द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक। पांचवा है अनिषेक फलन, ये अच्छे से देख लेना है अनिषेक फलन क्या है, क्लियर। तो मानव जन्म वाले चैप्टर में आपको ये टॉपिक्स देख लेने हैं। टॉपिक नंबर 6 है आर्तव चक्र, अच्छे से पढ़ लेना है। और अंडाणु जनन, इसको ऊजेनेसिस भी कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। यदि आप चाहते हो कि मैं इन सभी के लिए वीडियो लेकर आऊं तो आप प्यारा सा कमेंट कर देना। आठवें नंबर का जो टॉपिक है यह है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, और इस टॉपिक्स को मैं क्लियर करा चुका हूं। इसका वीडियो 12th क्लास की बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है प्यारे साथियों चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य, इसमें क्या जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। मनुष्य में यौन संबंधी रोग, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। दसवां टॉपिक परिवार नियोजन, ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। यानी जनन स्वास्थ्य में आपको प्यारे साथियों केवल दो ही टॉपिक है, मनुष्यों में यौन संबंधी रोग जैसे HIV है, ठीक है, ये सभी, और परिवार नियोजन, ये आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अब आता है आपका चैप्टर 4 वंशागति और विविधता के सिद्धांत, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 18 नंबर का आता है, क्लियर। तो यदि जो भी हमसे साथी चैनल पर अभी जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आप इसमें देख लेना टॉपिक 11 आनुवंशिक रोग, क्लियर। प्रभाविता और अप्रभाविता, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रभाविता और अप्रभाविता मेंडल का नियम। और एक संकर और द्विसंकर क्रॉस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक नंबर 14 पर आते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लियर। अब नीचे भी टॉपिक्स हैं, इनको भी मैं बता देता हूँ। मेंडल का नियम, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से यानी चैप्टर 4 से। तो इन चैप्टर्स के टॉपिक्स को आप देख लेना, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर में इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्लियर। अब चैप्टर 5 वंशागति के आणविक सिद्धांत, इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। 17वां टॉपिक है जीन क्या है, DNA तथा RNA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना साथियों, DNA तथा RNA में अंतर। 20 नंबर का टॉपिक DNA की वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जो डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना है, वो भी आप देखकर जाना, बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है।
टॉपिक नंबर 21 आनुवंशिक कूट, ये भी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब देखते हैं आगे मानव स्वास्थ्य, इसमें आपको क्या क्या कवर करना है। तो मानव स्वास्थ्य में अब टॉपिक हमारा हो जाता है ये नंबर 22, इंटरफेरॉन क्या है, ठीक है। इंटरफेरॉन के बाद प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम देख लेना है आपको, जिसमें आपको एंटीबायोटिक पढ़ाई जाएंगी वो। स्टेम कोशिकाएं आपको देख लेनी है, अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लेना है। टॉपिक नंबर 25, संक्रामक तथा असंक्रामक रोग देख लेने कौन से होते हैं। टॉपिक नंबर 26, मलेरिया तथा डेंगू बुखार, ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है या कवर कर लेना है, ये भी पूछा जाएगा। अब चैप्टर सात में देखें तो साथियों, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव उनका क्या योगदान है। तो इसमें आपको आपका टॉपिक 27 हो जाता है बायोगैस। टॉपिक 28 जैव प्रौद्योगिकी, ये बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है अंग्रेजी में, इसको बहुत ही अच्छे से आपको देख लेना है। अब चैप्टर 8 आ जाता है जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रम एवं सिद्धांत, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, PCR तथा DNA लाइगेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है PCR तथा DNA लाइगेज, ये आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30 नंबर प्लाज्मिड्स क्या है। 31 नंबर का टॉपिक जीन अभियांत्रिकी, समझ पा रहे हो। अब जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ये वाला चैप्टर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इंसुलिन का निर्माण, पारजीनी जंतु, 33 नंबर का टॉपिक, ये भी अच्छे से आप कवर कर लेना। बायोपरेसी, ये पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक की थी तब देखा था मैंने। क्राई प्रोटीन टॉपिक नंबर 35, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने कवर कर लेने। यदि मेरे साथ चाहते हो कि मैं इनके ऊपर वीडियो लेकर आऊँ तो आप एक कमेंट करना और मैं आपके लिए वीडियो प्लान करता हूँ, डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। क्लियर साथियों। अब चैप्टर है जीव और समष्टियाँ, इसमें कौन सा टॉपिक आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समष्टि और समुदाय। सहोपकारिता, ये भी इम्पोर्टेंट है, 37 नंबर का टॉपिक। और परवच्ची, ये अच्छे से पढ़ लेना। परजीविता, क्लियर। और सहभोजता, और 41 नंबर का टॉपिक अनुकूलन, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लेना। अब आता जैव विविधता एवं संरक्षण, तो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, 42 नंबर का टॉपिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आती है, रेड डाटा बुक और वन्य जीव। तो ये 47 यानी 47 महत्वपूर्ण संपूर्ण बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। आप प्यारे साथियों इन टॉपिक्स को कवर कर लेना। यदि आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स के ऊपर आपके अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किए जाएं तो एक कमेंट कर देना, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो कवर, 47 टॉपिक्स को, तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है बायोलॉजी में। यदि आप मेरे साथ इन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना। इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, साथी दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करना, और अपने साथी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम इन फ्यूचर ऐसे ही बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो जय हिंद, आज की वीडियो में बस इतना ही।